28 किलोमीटर नरकाना से और 80 किलोमीटर सखर से चल के आया हूँ और एक ऐसी तहजीब को एक्सप्लोर करने आया हूँ जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और दुनिया की चार बड़ी तहजीबों का हिस्सा रह चुका है। जी हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये जो सिविलाइजेशन है ये 2600 कबल वसी से लेके 1700 कई जगहों पे 1500 कबल वसी तक चलती रही है। उसके बाद ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, ये शहर तबाह हुआ नेचुरल क्लाइमिटी से, जिलजिले से, और उसके साथ जो नहरों का जो निज़ाम था वो चेंज हुआ, तो ये सिविलाइजेशन नहीं रही। लेकिन इसका जिक्र हर जगह पर मौजूद है। तो मैं पहुँचा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो, इस साइड पे जो पुराना शहर आबाद था उसके आसार है, उसकी तरफ चलूँगा, थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। किताबों में मैंने जिक्र ज़रूर सुना था, आपने भी सुना होगा। इस बार हम आपको दिखा रहे हैं, हरदे बोले पाकिस्तान इज़ हियर इन द सिंध, और हम जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। मोहनजोदड़ो के अंदर जाएंगे, म्यूज़ियम भी दिखाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं सकाफती विरसे की तरफ, उस शहर की तरफ जिसको लोग कहते हैं कि कितना मॉडर्न था, और उसको आज भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे वो लोग थे, किस तरह खूबसूरत शहर आबाद किया था जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। साढ़े चार से 5000 पुराना जो शहर था वो यहाँ आबाद था। उसके बाद जब खुदाई की गई शहर को खोला गया, देखा गया कैसा था वो शहर, क्या कुछ अंदर पाया गया, क्या कुछ उसकी इंची नीचे से निकाला गया, ये सब कुछ हमें बताएंगे इस्माइल। इस्माइल, जब ये शहर को एक्सप्लोर किया गया तो कैसी तर्ज ज़िंदगी थी उन लोगों की, कैसा मॉडर्न शहर बनाया था? जी बेसिकली जो है ना, 1911 में जब दरियाफ्त हुआ तो बिल्कुल टीले होते थे। जब 1922 में इसको एक्सप्लोर किया गया है तो यहाँ पे मिट्टी हटा देखते वो शवायद मिले। फॉर एग्जांपल कॉलेज मिला, स्विमिंग पूल मिल रहा है, अनाज का गोदाम मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड मिलता है, उसके अलावा कुएँ मिलते हैं और बुद्धिस्ट स्तूप मिलता है। अच्छा, ड्रेनेज से मुझे याद आया कि ड्रेनेज का जो सिस्टम है, आज भी जब बारिश होती है तो उसी ड्रेनेज सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है पानी को निकालने के लिए। उसके अलावा जो कॉलोनीज थी, घर थे, वो किस तरह के बने थे, क्या मॉडर्न टाइम में हम कह सकते हैं कि वो बहुत एडवांस थे वो लोग? कोई भी कच्चे घरों में नहीं रहता था, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जो कुएँ हैं वो सतह ज़मीन से ऊपर हैं। अच्छा, वो उसका रीज़न ये है कि वो फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे जो रहते थे तो ऊपर से ही वो बकेट के ज़रिए पानी निकालते थे। हज़ारों साल पहले वहाँ तालीम थी जिसकी वजह से वो मैच्योर हुए। उसके अलावा वो जो ग्रेट बाथ है, तो ग्रेट बाथ हम कह सकते हैं कि मे बी वो स्विमिंग पूल के लिए, मे बी वो जो है मजहबी लिहाज से रसूमात इस बात इस्तेमाल करते होंगे जिसको हम रिचुअल बाथ भी कह सकते हैं। जहाँ अगर हमें अनाज का गोदाम मिलता है तो हम कह सकते हैं कि 4500 साल पहले इतने एडवांस थे कि फर्स्ट फूड क्रॉप्स एग्रीकल्चर यहाँ करते थे। प्रॉपरली टाउन प्लानिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल घरों के एक साइज़ है, एक 400 गज़ का घर है तो वो, या 300 गज़ का घर है तो उसके प्रॉपरली गली है, गली से सेपरेट घर है, गली से राइट हैंड वाला सेपरेट है, लेफ्ट हैंड वाला सेपरेट है, इस तरह का है। और उन घरों की निशानी, हर घर में एक ही कुआं है, वो सेपरेट दरवाजे वगैरह के वो बिल्कुल बिल्कुल दरवाजे भी उनके, मेन एंट्रेंस उनके हैं, प्रॉपरली कम्प्लीट स्ट्रक्चर है। बेसिकली अभी हमें सिर्फ फाउंडेशन मिलता है। ये जो जगह है, आई थिंक ये बाद का है, ये जी डेफिनेटली ये उनका बाद का है, ये बुद्धिस्ट का स्टूपा है। जब मोहनजोदड़ो ये डिक्लाइन हो चुका था, उसके लेटेस्ट पीरियड में, डेटी में टू सेकंड सेंचुरी एडी में उन्होंने रीबिल्ड करा, कुशाना पीरियड में अपने मॉन्क्स क्वार्टर उठाए, अपना स्टूपा बनाया, इसी जगह सिविलाइजेशन के ऊपर। हज़ार साल पहले इतने एडवांस लोग की गली कूचिया घर सिस्टम, बैठने का, नहाने की जगह, यूनिवर्सिटी की जगह, सब अलग अलग।
कैन यू इमेजिन, इंसानी तहजीब वहाँ तक चली गई थी, इतनी तरक्की तक, फिर उसके बाद इंसान वापस आया और फिर बहुत सी जगहों पर डेवलपमेंट मिलती है। तो दुनिया में चार ऐसी तहजीबें जो कि दुनिया के लिए एक मिसाल है, यानी इंसान कितना एडवांस हो चुका था, उसमें से एक सिविलाइजेशन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस, इतना मज़े का कि सर चीज़ प्लानिंग के मुताबिक है, अभी इसके अंदर बहुत खोज करने की ज़रूरत है। सिर्फ 10 से 12% एक्सप्लोर किया गया और 10 से 12% बताता है कि 5000 साल पहले इंसान कितना एडवांस था, कितना एजुकेटेड था, हर चीज़ यहाँ से रिलेवेंट है। बचपन में किताबों में हम तस्वीरें देखते थे कि मोहनजोदड़ो के म्यूज़ियम में क्या कुछ है, जो यहाँ से खुदाई करके चीज़ें निकाली गई वो इस म्यूज़ियम में मौजूद है। 1922 में सर जॉन मार्शल ने यहाँ से जो खुदाई करके चीज़ें निकाली वो इस म्यूज़ियम के अंदर हैं। ये म्यूज़ियम फर्दर एक्सटेंड हुआ 1960s में और मैं फाइनली इस म्यूज़ियम के अंदर आ चुका हूँ। सो लेट्स एक्सप्लोर द म्यूज़ियम, क्या कुछ पड़ा है, उस पुराने तारीख की और पुराने सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें उनको एक्सप्लोर करते हैं। सो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जानवरों के दांत हैं, फिश एलिमेंट्स, और उसके अलावा एलिफेंट्स के दांत हैं, जो बाकी आज़ार जो है वो कलेक्ट किए गए हैं जानवरों के, वो प्रिजर्व की गई हैं। ये कुछ ह्यूमन बोन्स हैं, सारी बात है उस ज़माने में लोग दफनाते थे तो कुछ ह्यूमन बोन कलेक्ट किए गए हैं, वो रखे गए हैं। और उसके अलावा यहाँ जो है दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, उससे अलग पता चलता है कि उस इलाके के और उस ज़माने के लोग जो है बहुत मॉडर्न थे, बहुत अर्बन थे। तो यहाँ पे जो रिंग्स हैं, डिफरेंट बैंगल्स हैं जो वुमेन यूज़ करती थी, मर्द यूज़ करते थे, सिप्पीज पड़ी हैं, गले में पहनने वाले हार हैं जो ज़माने के थे और कलेक्ट किए गए, अब यहाँ म्यूज़ियम में प्रिजर्व है। दिस इज़ टॉयज़, इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें टॉयज़ आजकल अर्बन एरिया के बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते, तो इससे पता चलता है कि उस ज़माने के जो लोग थे वो बहुत एडवांस थे और बहुत इक्विप्ड थे। तो ये टॉयज़ हैं, उस ज़माने के पत्थरों से बनी हुई चीज़ें हैं, कुछ हाथ का काम उस पर हुआ है, और ये कुछ कलेक्शंस है स्टोन्स की। तो जो स्टोन्स बड़े अच्छे दिखने में अभी भी दिखते हैं, तो उस ज़माने में कितने अच्छे दिखते होंगे। तराजू पड़ा है, मतलब कुछ चीज़ों को अगर आपने वेट करना, और जो मुझे बताया गया वो ये जो पत्थर पड़े हैं ये उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे एज अ स्टोन, और ये मेजरमेंट होती थी कि कितना वेट है। तो स्टोन्स के अपने उनके मेजरमेंट के स्केल्स थे। तो उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये स्टैंप्स हैं, तो कुछ चीज़ों को ऑथेंटिसाइज करना था, मोहरे जिसको हम कह सकते हैं आजकल, स्टैंप लगे हुए हैं उस ज़माने के, डिफरेंट एनिमल की उनके ऊपर शेप बनी हुई है। सो ये उस ज़माने की सारी कलेक्शन है जो म्यूज़ियम में पड़ी है एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ये है जी मुजस्मे जो उस वक्त के लोगों ने बनाई थी, जैसे डांसिंग गर्ल, उसके अलावा बादशाह का एक जो मुजस्मा बनाया गया है, उसके अलावा हाँ मंकी और बाकी चीज़ों के जो मुजस्मे बनाए गए थे और बड़े अच्छे तरीके से बनाए गए थे, तो ये उस ज़माने के हैं। अगेन दैट शोज़ कि लोग कितने स्किलफुल थे, कितने आर्ट में माहिर थे। कैन यू इमेजिन 4500 साल पहले लोग फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते थे घर के बाकी, और उसके लिए इतने बड़े बड़े बर्तन बनाए गए थे खाना बनाने के लिए। और मेहनत उन लोगों जिन लोगों ने इसको निकाला है, बड़े मेहनत के साथ, कोशिश के साथ निकाला है और ओरिजिनल हालत में है। डिफरेंट चीज़ें हैं इस्तेमाल की, पानी पीने की ग्लास, बर्तन, उसके अलावा ये पत्थर जिस पे वो पीसते थे चीज़ों को, चराग, लैंप, हीटर, सो, और उसके अलावा छोटे छोटे जो कप है पानी पीने के या चाय पीने के, मटके। सो दिस ऑल आर द सिविलाइजेशन और प्रिजर्व की गई अगेन। Thank you.
देखिए जी, आज भी वो रिवायत कायम है कि शाम को लोग कैदर होते हैं, बैठते हैं, फिर कहीं टीवी स्क्रीन लगी होती है उस पर फिल्म देखते हैं। तो मैं एक छोटे से कस्बे से गुजर रहा था लारकाना के आसपास, और मैंने देखा कि वो ट्रेडिशन जो हम बचपन में एंजॉय करते थे कि लोग इकट्ठे बच्चे बड़े बैठ के फिल्म देखते थे, अपनी फेवरेट फिल्म लगी होती थी, फिर हम छोड़ते नहीं थे, किसी को चैनल चेंज करने की इजाज़त नहीं देते, अगर क्रिकेट के लवर थे तो क्रिकेट मैच देखते थे। तो यहाँ मैंने देखा बहुत से लोग गैदर हुए और एक सिंधी लैंग्वेज में फिल्म चल रही है, वो लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ, पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। हमें लगता है कि बड़े शहरों में रात तक लाइफ जागती रहती है, लोग मार्केटों में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन अब ये परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और अब आप देख लें कि लारकाना में रात को इस वक्त 9:30 और यहाँ पे जो है लाइफ चल रही है और बाजार खुला है। अब चाचा जी ने ही देख लो, चाचा जी जो है वो तकर 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 मुर्गे को जो है मसाले लगा के बारबेक्यू बना रहे हैं। अब रात के को 9:00 बाहर खाने आ रहा है तो बना रहे हैं ना। और वो देखो मुंडा पराठे को टपक टपक करके नीचे मार रहा है जैसे कोई ताली बजा रहा हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो लारकाना की लाइफ है वो रात को लेट तक चलती रहती है, खासकर जो टाउन है, शहर है, और 2 लाख की आबादी का ये शहर है तो ऑफकोर्स अच्छा लग रहा है। एंड अ डे फुल ऑफ जॉय, एडवेंचर, लर्निंग, रिसर्च एट मोहनजोदड़ो। और अब मैं लारकाना आया हूँ, एक गेस्ट हाउस है संबारा इन बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ सिंध, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है स्टे करने के लिए, तो मैं ओवरनाइट यहाँ स्टे करूँगा। एंड आई विल सजेस्ट टू एवरीवन जो आउट ऑफ द टाउन आते हैं, मोहनजोदड़ो को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो आप किसी पॉइंट को बेस सेलेक्ट कीजिएगा। लारकाना बहुत करीब है, लारकाना को बेस सेलेक्ट कीजिएगा। और इसके अलावा इस टाउन में और भी छोटे मोटे होटल्स, गेस्ट हाउसेज मौजूद है, बट दिस इज द बेस्ट वन एंड आई एम गोना स्टे हियर फॉर अ ओवर नाइट। बट द डे वॉज फुल ऑफ एडवेंचर, जॉय, दर्शक की गल नहीं, मैं दिखाता सोनू तुम भी आओ, एंजॉय करो मोहनजोदड़ो में।
ये एक तारीखी रेस्ट हाउस है और वो इसलिए कि डिफरेंट कंट्री के जो स्टेट हेड यहाँ आए, जैसे जमाल अब्दुल नासिर, शाह ईरान, किंग फैसल, यासर अराफात, तो वो यहाँ उन्होंने रिहाइश इख्तियार की और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वो उनको होस्ट करते थे। ये आउटस्कर्ट में वाक़ है लारकाना के और आजकल जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो इसको लुक आफ्टर कर रही है। मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट के हेड आए थे, उनकी कुछ पिक्चर्स लगी हुई है, कुछ फोटोज लगी हुई है। ग्रीन लैंड के बीच में ये है लंग लेक और इसकी खासियत ये है कि 40 से 50 हजार माइग्रेटेड बर्ड्स को होस्ट करता है विंटर में। जो मौजूदा एरिया है वो 98 एकड़ है और ये 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है लारकाना सिटी से। और किसी जमाने में ये वाइट डक के शिकार के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, जो डिफरेंट स्टेट के हेड आते थे वो यहाँ शिकार करते थे, बट 1985 के बाद वाइल्ड लाइफ ने इसको अपने तहवील में ले लिया। अब ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी यहाँ शिकार करना मना है। इसकी दूसरी खासियत यह है कि यहाँ पे जो पानी है वो जो सखर बैराज से वहाँ से जो राइस कैनाल निकलता है उसका पानी यहाँ आता है और आगे दादू तक जाता है। वेल, अ ब्यूटीफुल पॉइंट, अ ब्यूटीफुल प्लेस टू वॉच। और अगर आप विंटर में आते हैं तो बहुत खूबसूरत मौसम होगा क्योंकि बहुत से माइग्रेटेड बर्ड्स आपको यहाँ नज़र आएंगे। यासर फोटोग्राफर है और इससे वो परिंदे मारते नहीं, परिंदों को कैप्चर करते हैं। यासर, यहाँ पे कितने स्पीशीज के, कितने डिफरेंट टाइप के आपने परिंदे देखे हैं? मैंने यहाँ पे 170 पिछले 4 सालों में कलेक्ट किए हैं सिर्फ इस लेक में और हर सीजन में। फोटो की शक्ल में कलेक्ट किए? फोटो से, अलग अलग नस्ल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताएं इनकी जो स्पीशीज है, ये जो बर्ड्स की डिफरेंट, इनके क्या मतलब मूवमेंट क्या होती है, हरकतें क्या होती है, किस तरह की, कुछ स्पेशल चीज़ बताएं। स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पे माइग्रेशन बर्ड्स जो आते हैं उसमें एक बर्ड है ग्रेट बेटन, वो ये उसकी खासियत ये है कि वो जहरीले जो इंसान जात के लिए मतलब ख़राब हैं, खतरनाक है, तो वो उनको मेंढक कीड़े मकोड़े चीज़ कीड़े खाता है, मेंढक के खाता है। और वो जो मतलब इसके अलावा जो माइग्रेशन बर्ड्स डक्स आती हैं वो भी इंसेक्ट्स खाते हैं जहरीले। कितना मुश्किल है ये परिंदों की फोटोग्राफी, ये जो ड्रेस है ये स्पेशली इसलिए कि ये आपको अपना करीबी दोस्त मान ले नेचर के करीब? बिल्कुल ठीक, आप इस कैमोफ्लेज हम करते हैं इसी वजह से कि ताकि बर्ड्स जो हमें शाय बर्ड्स होते हैं उनके करीब जाने के लिए, उनको क्लोज शॉट लेने के लिए। उसके अलावा हम कभी कभी एक वीक भी लग जाता है एक ही बर्ड कैप्चर करने के लिए, उसको क्लोज शॉट लेने के लिए। मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा मंथ है या टाइम है जहाँ पे ज़्यादा बर्ड्स आते हैं और डिफरेंट तादाद में, नंबर्स में भी और डिफरेंट किस्म में भी? अच्छा, सीज़न होती है जैसे सर्दी की सीज़न में जनवरी में आपको यहाँ पे 100 प्लस मिलेंगे बर्ड्स। उसके अलावा अभी वेडर्स की सीज़न है उसमें भी आपको 60 अबो आपको बर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, और लोगों का इंटरेस्ट है जो फोटोग्राफी आप करते हो, शेयर करते हो सोशल मीडिया पर, दोस्तों को दिखाते हो, उनका क्या इंटरेस्ट है? असल में मैं बर्ड्स जब शुरू की थी तो तब जब मैंने इंटरनेट पे जब फ़ोटोज़ लगाना शुरू कर दिए तो मेरे बर्ड्स आते हैं। उसके अलावा जर्मन से भी लोग आते हैं, नीदरलैंड से लोग आते हैं इधर घूमने के लिए, खास इस लेक को, कि इतने बर्ड्स आप कैसे कलेक्ट कर रहे हो देखने के लिए आते हैं। वाह, वो फिर आपसे कॉन्टैक्ट में होते हैं? कॉन्टैक्ट होते हैं बिल्कुल, अभी भी बर्ड दोस्त आए थे पिछले हफ्ते, नेक्स्ट वीक में भी वो आएंगे, अभी दूसरे दोस्त हैं वो भी आएंगे सिर्फ वेडर्स की सीज़न में।
जग घूमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा, ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता सब प्यार।